हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था, जिसको सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। डिफरेंट पॉल्यूटेंट का क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एयर में, वो हमें प्रोवाइड किया गया है। तो वहाँ पर एक हमने रेंज देखा था, एक्चुअल में वो रेंज वहाँ पर नहीं था, आपको बता दूँ। वहाँ पर 50 to 80 मान लीजिए मैंने बताया था कि ये SO2 है, तो बोला जा सकता है रेंज है, बट वो एक्चुअल में ये क्या है कि 50 जो बता रहा है वो एनुअली कैलकुलेट जब किया जाता है, एनुअली जब कैलकुलेट जाता है तब वो देता है 50 का। और अगर 24 आवर्स में कैलकुलेट किया गया तो ये 80 दे रहा है। तो वो रेंज आपको ध्यान में, मतलब रेंज के फॉर्म में नहीं याद रखना, आपको ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग वाला जो है वो किसी दूसरे पैरामीटर पर कैलकुलेट किया गया है, या तो एनुअली कैलकुलेट किया गया है, अगर इधर एनुअली कैलकुलेट किया गया है तो इधर 24 आवर्स पर कैलकुलेट किया गया है। और किसी किसी में आपको वो वैसा भी मिलेगा कि एक 24 आवर्स में है और एक 8 आवर्स में कैलकुलेट किया गया, तो मतलब दो डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर वो कैलकुलेट किया गया है, इसलिए आपको ऐसा रेंज के फॉर्म में दिखाया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप किसी एक वैल्यू को याद कर लोगे, स्टार्टिंग वाले वैल्यू को ही याद अगर कर सकते हो तो याद कर लोगे। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? तो एक्चुअल में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है एक तरह का इंडेक्स है जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती है वो एयर के क्वालिटी के बारे में बताती है कि एयर में क्या डिफरेंट पॉल्यूटेंट है और उसका क्या लेवल अभी चल रहा है, अभी करेंट में क्या लेवल है। तो ये जनरल जो पब्लिक है उनको कम्युनिकेट करने के लिए होता है कि एयर के क्वालिटी में, एयर में क्या क्या पॉल्यूटेंट प्रेजेंट टाइम में कितना है और आगे में क्या उसका क्वालिटी होने वाला है। फॉर एग्जांपल, आप अभी किसी प्लेस पे हैं तो उस प्लेस पर अगर आप सर्च करोगे नेट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आप वहां पर अगर अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे और स्टेट सिलेक्ट करके अगर सिटी को सिलेक्ट करोगे तो आपको वहां पर उस टाइम का एयर का क्वालिटी बता देगा कि अभी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या फिर SO2 या NO2 अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो ये एक तरह का जो बनाया गया है वो जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए ये बनाया गया है। इसको जो लॉन्च किया गया था, मान लीजिए इसको स्टार्ट जो किया गया था वो 17 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। इसको रिकमेंड IIT खड़गपुर की तरफ से ये किया गया था और उसी तरफ से स्टार्ट किया गया था, मतलब स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था। तो इसका मेन पर्पस आपने समझ लिया कि जो जनरल पब्लिक है उनको इन्फॉर्म करना, उनसे कम्युनिकेट करना, गवर्नमेंट एजेंसी उनसे कम्युनिकेट करती है कि प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में क्या एयर की क्वालिटी है, वहाँ पर कहीं हमारा कंडीशन एयर का तो ख़राब तो नहीं है, अगर आप वहाँ पर बाहर निकलेंगे तो कहीं आपको इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं सर्वर इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, सीवियर इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो वो देखने के लिए यहाँ पर एयर क्वालिटी का इंडेक्स एक बनाया गया है। तो देख लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी टू कम्युनिकेट टू पब्लिक हाउ पॉल्यूटेड द एयर इज। वही आपको बता रहा था कि बाहर में जो एयर है आपका वो कितना पॉल्यूटेड है, किसी भी प्लेस पर किसी भी सिटी में कितना पॉल्यूटेड है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिटी का वहाँ पर कैलकुलेट करके अपलोड किया हुआ रहता। आप सर्च करोगे तो आपको जैसे पर डे कैसे आपका वेदर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज पटना में बारिश होने वाली है कि नहीं, आज दिल्ली में होने वाली है कि नहीं, तो उसी तरह से वहाँ पर पोल्यूशन का पार्टिकुलेट मैटर का भी क्वांटिटी को सिलेक्ट करके बता दिया जाता है कि उसका क्या इफेक्ट होने वाला है या कितना पोल्यूटेंट है, उसका क्या क्वांटिटी है वो बता दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ बिन लॉन्च्ड इन 17 अक्टूबर 2014। ऑलरेडी आपको बता दिया गया 2014 में 17 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। टू कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर क्वालिटी टू जनरल पब्लिक इन ईजी एंड अनस्टेबल फॉर्म, ईजी और अनस्टेबल फॉर्म वो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए वो बताया गया है, वो लॉन्च किया गया है। आगे देख लेते हैं, द मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इज़ बेस्ड ऑन 8 पॉल्यूटेंट। यहाँ पर टोटल 8 पॉल्यूटेंट को लिया गया है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, ये सब इसमें अवेलेबल है। आप देख लीजिए नेम यहाँ पर लिखा हुआ, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन, अमोनिया, PB। जैसा लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पर कुछ को कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर टोटल 8 को ही रखा गया, उसमें हमने कुछ को ही बताया था लेकिन यहाँ पर 8 को ही इंक्लूड किया गया है। 8 के बारे में ही हम लोग को वहाँ पर डिटेल देता है कि एनवायरमेंट में ये कितना कितना अवेलेबल है पार्टिकुलर टाइम पर। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब इफेक्ट क्या होता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हमें बताता है, आपको बता दिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स एनवायरमेंट में क्या पॉल्यूटेंट है। तो अगर एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट ज़्यादा होगा तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट ह्यूमन पर ज़्यादा होने वाला है, ह्यूमन के हेल्थ पर ज़्यादा होने वाला है। तो वही लिखा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स राइजेज, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स राइज होता है तो पब्लिक हेल्थ रिस्क इंक्रीजेज, उसका हेल्थ का रिस्क जो होता हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ 6 कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी, उसका 6 कैटेगरी है। कौन कौन से कैटेगरी है, मतलब कब गुड होता है एयर का क्वालिटी, कब बैड होता है, कब सीवियर होता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या क्या है वहाँ पर देख लीजिए, टोटल 6 को यहाँ पर रखा गया है। अगर अच्छा क्वालिटी होगा, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है तो समझिए कि वो गुड है, सेटिस्फैक्ट्री उसके बाद आता है, उसके बाद आता है मॉडरेट पॉल्यूटेड, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सवर। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किस में क्या रेंज रखा गया है। मतलब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है तो वो गुड है, और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है तो वो एक तरह का वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, उसके लिए उसको सीवियर बोला गया है यहाँ पर, तो उसको सीवियर बोला गया। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं टेबल वाइज कि क्या क्या उसका रेंज होता है और किस कलर से हम लोग किस रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, कब हम लोग गुड बोलते हैं और कब हम लोग उसको सीवियर बोलते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, ये जो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पब्लिश किया है, जारी किया है, ये इंडिया का है। कहीं कहीं आप कंट्री वाइज थोड़ा थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड इंडिया का है वो इसने ये प्रोवाइड किया है कि कब क्या दिया जाता है। कहीं कहीं थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिखेगा, ऊपर में ग्रीन दिखता है लेकिन येलो यहाँ पर आ जाता है, सेकंड पे आ जाता है, तो थोड़ा सा वेरिएशन वो दिखता है, वो कंट्री वाइज वेरी भी करता है। और ये हम लोग जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया का है वो प्रोवाइड किया है, तो हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 0 से 50 होगा तो उसको उस कैटेगरी को हम लोग बोल देंगे कि ये गुड एयर क्वालिटी है, एयर का क्वालिटी जो है ये गुड है। उसके बाद अगर 51 से 100 के बीच में होगा तो उसको बोल देंगे कि गुड तो नहीं है बट सेटिस्फैक्ट्री है, ये हमारे लिए उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है बट ठीक है। उसके बाद अगर 101 से 200 के बीच में अगर होगा एयर का क्वालिटी इंडेक्स का, तो उसको मॉडरेट हम लोग बोलते हैं कि ये मॉडरेट है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और 200 से 300 के बीच में आ जाएगा, 201 से 300, तो उसको बोलते हैं कि एयर का क्वालिटी पुअर है, यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। उसके बाद देख लेते हैं, अगर 301 से 400 के आसपास होगा तो ये एयर का क्वालिटी वेरी पुअर है, उसको कलर वाइज भी आपको बता देना होगा यहाँ पर। कलर जैसे गुड है तो डार्क ग्रीन है, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री है तो लाइट ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, इस टाइप से कलर वाइज भी डिफाइन कर दिया गया है। आप जब सर्च करोगे तो आपको कलर वाइज वहाँ पर शो करता है। जैसा अभी मैंने सर्च किया था कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो 53 दिखाया था और वहाँ पर दिखा रहा था कि वो ग्रीन के आसपास लाइट ग्रीन है, और कहीं पर पटना में मैंने अभी देखा तो पटना में 35 के आसपास अभी दे रहा था, तो वहाँ पर डार्क ग्रीन दिखा रहा था कलर, कि अभी डार्क ग्रीन है। तो वो आप कलर वाइज भी आप समझ सकते हो कि गुड है कि सेटिस्फैक्ट्री है कि पुअर है या फिर वेरी पुअर है। अगर मैरून कलर से दिख रहा है या डार्क रेड दिख रहा है, मैरून कलर से दिख रहा है, तो वो बोल देंगे सीवियर है, मतलब बहुत ही एयर का क्वालिटी वहाँ पर अभी ख़राब चल रहा है। तो ये हमने एक रेंज देख लिया है। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है जो हम लोग यहाँ पर रेंज देते हैं। यूनिट जनरली जो हम लोग पॉल्यूटेंट का कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में बताया था माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में ही करते हैं, बस कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग यहाँ पर मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में करते हैं। तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में ही करते हैं, मतलब क्यूबिक मीटर में कितना माइक्रोग्राम उस पॉल्यूटेंट का वेट है उसके रेंज में करते हैं। यहाँ पर बस खाली कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग यहाँ पर मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में कर देते हैं। तो ये इसका रेंज है, आपने रेंज देख लिया, और कलर भी थोड़ा सा याद रखना है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना होगा तो रेंज कम से कम ये जरूर याद रखिएगा किस रेंज में कौन सा कलर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे ग्रीन दिख रहा है बट एग्ज़ाम में तो आप ग्रीन से नहीं लिखोगे, तो यहाँ पर आप ग्रीन लिख देना है, यहाँ पर लाइट ग्रीन लिख देना है, यहाँ पर येलो, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर रेड, यहाँ पर डार्क रेड, या फिर मैरून लिख देना है आप। अब आगे देख लेते हैं, कलर वाइज भी आई थिंक दिखाया हुआ होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर हाँ किसका, अब कौन से एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर जितना होगा उसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपने आपको बताया अभी कि 0 से 50 होता है तो उसको हम लोग गुड बोलते हैं और डार्क ग्रीन से शो करते हैं। तो अगर गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा तो उसका इफेक्ट हेल्थ पर जो होगा, अभी हम लोग हेल्थ पर इम्पैक्ट देखने वाले हैं, तो हेल्थ पर जो इम्पैक्ट होगा वो मिनिमल होगा, इम्पैक्ट मतलब नहीं के बराबर होगा। अगर 0 से 50 है तो बहुत नहीं के बराबर इफेक्ट होगा, मतलब मिनिमल बोल सकते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, सेटिस्फैक्ट्री, तो 51 से 100 के आसपास है, तो लिख रहा है कि मे काउज माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू सेंसिटिव पीपल, मतलब जिनको पहले से कुछ इलनेस है, कोई बीमारी पहले से है, कोई डिजीज़ है, तब उनको माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट कर सकता है। जैसे अभी आप देखोगे कोरोना भी ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं को करता है जिनको लंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है या पहले से कोई सीवियर डिजीज़ है, तब उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जिनको अगर पहले से कोई सेंसिटिव पीपल है, पहले से लंग्स में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट मतलब सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अगर 51 से 100 के रेंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तब। अब मॉडरेट में आ जाते हैं जिसका 101 से 200 है, तो यहाँ पर क्या है, मे काउज ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल विथ लंग डिजीज सच एज अस्थमा एंड अस्थमा अगर है किसी को,
या फिर उससे रिलेटेड कोई लंग्स डिजीज है, तब वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर सकता है। एंड डिस्कम्फर्ट टू पीपल विथ हार्ट डिजीज, चिल्ड्रेन एंड अदर एडल्ट, मतलब कोई हार्ट डिजीज पर्सन है या चिल्ड्रेन है या अदर ओल्डर ओल्डर एडल्ट है या कोई बूढ़े लोग हैं, तब उसको अगर मॉडरेट एयर क्वालिटी में वो रहेंगे तो डिस्कम्फर्ट कर सकता है थोड़ा बहुत, मतलब उतना ज़्यादा नहीं करेगा बट थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट कर सकता है। मतलब पहले से उनको कोई लंग का प्रॉब्लम हो या फिर उनको हार्ट डिजीज़ कोई पहले से हो तो उनको थोड़ा सा, या फिर चिल्ड्रन में थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ओल्डर पर्सन में करता है। अब पुअर अगर रहेगा तब क्या होगा, तो मे काउज ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, मतलब ज़्यादा देर तक अगर वो उस एयर में रहेंगे तब उनको डिस्कम्फर्ट साथ लेने में कर सकता है। एंड डिस्कम्फर्ट टू पीपल विथ हार्ट डिजीज विथ शॉर्टर एक्सपोजर, या फिर अगर हार्ट डिजीज़ किसी को है पहले से तब वो अगर थोड़े देर भी रहेंगे तब उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तब, अगर लॉन्ग पीरियड में रह गए उसे एयर में पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स में तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा, या फिर हार्ट डिजीज़ अगर है और थोड़े देर भी रहें तब आपको वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ में, वेरी पुअर है, यहाँ पर वेरी पुअर का रेट आपको दिखाया है जिसका रेंज 301 से 400 है। तो बोल रहा है मे काउज रेस्पिरेटरी इलनेस टू द पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर ज़्यादा देर तक आप रहिएगा तो रेस्पिरेटरी बीमारी वहाँ पर आपको क्रिएट कर सकता है। इफेक्ट मे बी मोर प्रोनाउंस्ड इन पीपल विथ लंग एंड हार्ट डिजीज, अगर लंग्स और हार्ट डिजीज है तब तो इफेक्ट ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर टाइम तक रहेंगे तब आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब सीवियर का देख लेते हैं, मतलब सबसे एयर क्वालिटी सबसे बेकार इसको बोला जाता है, सबसे ख़राब बोला जाता है, वो सीवियर हो गया। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, मे काउज रेस्पिरेटरी इफेक्ट इवन ऑन हेल्दी पीपल, अगर हेल्दी पीपल भी है, अगर नॉर्मल पीपल भी है तो उसको भी रेस्पिरेटरी इफेक्ट कर सकता है। एंड सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट ऑन पीपल विथ लंग एंड हार्ट डिजीज, अगर लंग्स और हार्ट डिजीज है तब तो यहाँ पर सीरियस हेल्थ इफेक्ट इम्पैक्ट करने वाला है वो। द हेल्थ इम्पैक्ट मे बी एक्सपीरियंस्ड इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल एक्टिविटी, लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे तो आपको हेल्थ इम्पैक्ट आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो ये हमने इफेक्ट देख लिया, तो आपको कम से कम एग्जाम के लिए इफेक्ट ध्यान में रखना है और रेंज ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर पॉल्यूटेंट का आपको रेंज नहीं बताया कि पॉल्यूटेंट किस किस पॉल्यूटेंट का क्या होना चाहिए, बिकॉज आप तो अगर देखोगे नेट पर तो पॉल्यूटेंट का भी देता है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का क्या रेंज होना चाहिए, 10 का क्या रेंज होना चाहिए, किस किस क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए, वो भी देता है वहाँ पर। बट मैं वो आपको नहीं बताया बिकॉज वो याद नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा है, एक टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टेबल है वो, तो याद करना थोड़ा बहुत मुश्किल है उसको। तो आप बस याद कर लोगे कि गुड कब हम बोलेंगे 0 to 50, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे सेटिस्फैक्ट्री तो 51 to 100, फिर 101 to 200 हो जाता है वो, मॉडरेट हो जाता है, फिर 201 to 300 पुअर हो जाता है। तो ये रेंज आप याद कर लोगे और किस रेंज में क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ पर वो अगर याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप चाहो तो अभी भी नेट पर सर्च करके देख सकते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ मुजफ्फरपुर, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ पटना, ऐसे करके आप डालोगे तो वहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने का देगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप सिटी सेलेक्ट कर लोगे, सिटी सेलेक्ट करने के बाद स्टेशन सेलेक्ट करने का देता है, तो वहाँ पर 2-3 स्टेशन का ऑप्शन देगा, कोई भी स्टेशन आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको रेंज वहाँ पर बता देगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या रेंज है। तो हमने देख लिया एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आज, इसके बाद के लेक्चर में देख लेंगे आगे टॉपिक में क्या है, यूरोप के से रिलेटेड आई थिंक कुछ वहाँ पर दिया हुआ है तो वो भी देख लेंगे हम लोग। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर साहब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड रहेगा, या फेसबुक पेज है फेसबुक पर, आप फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर कुछ पर्सनल आपसे क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वहाँ से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।